ज्ञान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, उसके माँ, उसके बाप, उसका सारा काम, हर चीज। और जय उल्का ने आज तक जानवी जैसा किरदार नहीं किया था और मेरे लिए डिफिकल्ट भी रहा है, चैलेंजिंग रहा है। एक्टर एब्सोल्युटली आप सभी जानते हैं, बहुत माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैं फ्रेंड्स को मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते, हेल्प भी करते और स्कूल भी साल में छोड़ने आते और मेरी जान, मेरी मम्मी अकेले सब कुछ करती है, मेरी जान ऑलराउंडर है ना, मम्मी और पापा का दोनों का काम करती है, इसलिए थोड़ी थक जाती है। इसलिए मुझे पापा की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए, फ्रेंड चाहिए जो उनकी हेल्प करे, उनको प्यार करे। तो ये है मेरे दोस्त आलिया मान। दोस्त, come on, give me a high five, come on, yeah. So, तो ये मेरी जान से शादी करना चाहते और उनको अपनी क्वीन बनाना चाहते, तो मैं बिना टेस्ट लिए इनको इनको पास थोड़ी कर दूंगा। तो आर्यमान, आप मेरे तीन टेस्ट के लिए तैयार हो? बस तीन टेस्ट? हाँ बिल्कुल। टेस्ट नंबर वन, आप इतने स्ट्रांग हो कि मेरी जान के लिए रक्षा कर सकते हो? अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये देख मेरे बाइसेप्स। तो आप अपने पीठ पे बैठा के मुझे 10 पुशअप करवाओ। बस इतनी सी बात? आजा, कम ऑन, देयर यू गो। तू काउंट करेगा? हाँ। आराम आराम से करियो। वन, टू, थ्री, फोर, मजा आ गया। टेस्ट नंबर टू, कि आप मेरी जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो, स्माइल करवा सकते हो एक सॉन्ग गा के। बस हाँ बिल्कुल, अभी लगा सकता हूँ, ये ले। रोमांटिक सॉन्ग गाता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कान की रक्षा तो हो गई, पर जान की रक्षा तो कौन करेगा? यार, मैं मानता हूँ, पर थोड़ा सुर में नहीं था, पर दिल से गाया मैंने, फीलिंग्स के साथ। ठीक है, अगले टेस्ट में फेल मत होना। आप तो अपने आप को राजकुमार कहते हो ना? हाँ। तो टेस्ट नंबर थ्री, आप मेरे जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो? बिल्कुल बन सकता हूँ। तो ठीक है। टिपिकल नहीं है, सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानवी की ज़िंदगी में, वो है कियान, और उसके पीछे की क्या कहानी है वो तो आपको एपिसोड्स के ज़रिए पता चलेगा और हम चाहेंगे एक सुंदर कहानी में बता सके। इसके लिए मुझे काफ़ी नई चीज़ें ट्राई की करनी पड़ी, यू नो, मेथोडिक एक्टिंग के लिए भी, बिकॉज आपने हमेशा मुझे बहुत ही हीरोइक रोल्स करते हुए देखा है, पर इस तरह का हीरोइन रोल नहीं करते हुए देखा होगा। अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, बस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पोस्टर्स हमारे इतने अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट टू एपिसोड्स इतने अच्छे लग रहे हैं और आप सबका इतना प्यार मिला। सो लेट मी नो। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी माएँ हीरो हैं। आज हम सब जो भी हैं हमारी माओं के वजह से, मतलब हमारे जन्म से लेकर लालन पालन, हर संस्कार हमें हमारी माँ ने दिया है। हम अपने पिताओं के साथ जितना वक्त नहीं, फादर्स के साथ जितना वक्त नहीं बिताते, उतनी ज़्यादा माँ से बिताते हैं। तो आई थिंक सिंस वो एक हीरो है जो हमारे सबसे क्लोज टू हार्ट है, तो क्यों ना मैंने सोचा इस बार मार धाड़ और एक्शन वाला हीरो तो मैंने बहुत किया है, मतलब हीरोइन ये नहीं किया है। एंड सिंगल मदर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसंग हीरोज हैं, जिन्हें उतना क्रेडिट मिलता नहीं है।
दुनिया है और जानवी के लिए कियान। अब कियान को जानवी के लिए एक हस्बैंड चाहिए, अपने लिए नहीं, उसको अपनी माँ के लिए चाहिए, क्योंकि उसको लगता है बेचारी मेरे लिए भागा दौड़ी करती है, इतना सब कुछ करती है, तो इसी के लिए वो मैं आता हूँ लाइफ में और मैं जानवी है, मेरा रोमांटिक एंगल होता है और जानवी बोलती है अगर वो अप्रूव करेगा तो ही मैं जो भी है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो अभी जर्नी ऐसी है कि कैसे आर्यमन कियान को, स्टोरी में होता है कि लड़का लड़की को मनाता है, या मुझे एक बच्चे को मनाना पड़ेगा, बार बार उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, जो वो बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, हर टास्क को जीतना पड़ेगा जानवी तक पहुँचने के लिए, या वो बेसिकली अप्रूवल देगा मुझे। Flavor of love and emotion, written completely from the heart and presented to you in the same way. Thank you so much, everyone. I love it. Yeah, we'll do an only cast photo op now. Next. थोड़ा नीचे नहीं जा रही है इस बार का जो कैरेक्टर है, थोड़ा इस तरह से एक्सपीरियंस कैरेक्टर लग रहा है जितना भी मैंने ये भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंतज़ार करने के लिए और आप सब आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जैसा कि आपने देखा, जानवी एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है, बहुत ठहराव है इसमें, और उल्का ने आज तक जानवी जैसा किरदार नहीं किया था और मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी रहा है, चैलेंजिंग रहा है। और जब बात आती है सिंगल मदर्स की, तो उनको सबसे कम क्रेडिट मिलता है, और क्रेडिट के साथ साथ जो सोसाइटी से जो चीज़ें उन्हें सुननी पड़ती है या जो सवालों को झेलना पड़ता है, आसान नहीं है। तो इसलिए इस शो के ज़रिए हम सिंगल मदर्स के बारे में और उनकी उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करती है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ एज एन एक्टर, एज अ वुमन ऑल्सो, कि आज तक मैं माँ बनी नहीं हूँ अब तक, तो पर जब मैं बनूँगी तो जैसे हम कहते हैं ना कि यू नो हमारे पेरेंट्स भी पहली बार माँ बने हैं या बाप बने हैं, तो उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट मुझे ऑलरेडी एक माँ बनने का रिहर्सल मिल रहा है और आई वंडर मैं किस तरह की माँ बनूंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एक्सपीरियंस। बट कमिंग बैक एज एन एक्टर, था थोड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि जब भी मैं कुछ वो सीन्स रीड करती थी, मुझे कहते थे अरे वो ममता नहीं दिख रही है, मैं सोचती थी कि ममता ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझे नहीं आ रही है, पर फिर जाना, फिर अपने माँ के बारे में सोचा, अपने सारे फ्लैशबैक्स, तो समझ आया कि ममता एक सैक्रिफाइस है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, और एक माँ ना सिर्फ अपने बॉडी के साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बट अपने पूरे जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने हर खुशियों को, अपने हर हक को, मतलब आपके थाली में भी जो एक एक्स्ट्रा निवाला होता है तो वो माँ खिलाती है, अपना पेट काट कर आपको खिलाती है, तो वो फीलिंग उससे नोबल फीलिंग नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं एक सिंगल मदर को निभाऊँ और
देखिए सब इस किरदार का नाम है आर्यमन मुंदेला। ये हमारी जो कहानी शो की कहानी है ये ग्वालियर के बेस्ड है, ग्वालियर में बेस्ड है। शो की कहानी ऐसी होती है कि जानवी है, उसका एक बेटा है ज्ञान। तो ज्ञान बेसिकली उसकी, ज्ञान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, उसके माँ, उसके बाप, उसका सारा काम, हर चीज़ उसके। डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है। एक फ्रेशनेस है स्टोरी में, किरदार को बाद में, स्टोरी में बहुत बड़ी फ्रेशनेस है। किरदार अलग है क्योंकि इसका भी एक अपना, एक इसकी भी बैक स्टोरी है, एक है इसको भी अपने बाप का प्यार नहीं मिल पाता। कि आप देखेंगे स्टोरी में एक इंसिडेंट होता है क्योंकि इसके बाप इसको ठीक ऐसे बाहर कर देता है ड्यू टू सम इंसिडेंट विच हैपेंस इसके बचपन में। और ये अपने बाप के प्यार को ही लॉन्ग्स फॉर, क्रेव्स फॉर हिज फादर्स लव, जो उसको नहीं मिल पाता। और इसके बाप भी इसको धिक्कारता है और इसको भी बाप का प्यार चाहिए। और वेयर इन कियान, उसको भी एक बाप का प्यार चाहिए, पर उसको बाप का प्यार चाहिए अपनी माँ के लिए, मतलब ऐसा है, उसको अपनी माँ के लिए चाहिए। सो बहुत कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं ये, कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्टोरी है, कैसे वो लोग आएंगे पास में, कैसे उसको फादर फिगर दिखेगा आर्यमन के अंदर, और कहाँ ये बॉन्ड मतलब लेके जाएगा ऐसा। तो बहुत क्यूट लगी मुझे ये जब मैंने सुना, मैंने इस ऐसी स्टोरी कभी पहले सुनी भी नहीं थी। सो आई आई फेल्ट रियली कनेक्टेड, एज यू नो मैंने बताया कि कभी रिसेंटली मैं भी एक पिता बना हूँ, तो बहुत कनेक्ट कर पाया मैं उससे। मेरे बेटे का नाम, आई गॉट टू बॉयज, ट्विन बॉयज, सो बड़े का नाम आर्य है, कैरेक्टर का नाम आर्य था। सो देयर ऑल्सो आई हैव गॉट अ, आई हैव गॉट अ कनेक्शन। सो व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर मैं, बहुत अच्छा लगता है न्यू जोन में जाना मुझे, यू नो जस्ट प्लेइंग दैट। हाँ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलता बोलता भी इमोशनल हो जाऊँगा मैं बहुत मिस करता हूँ, एब्सोल्युटली बोलने की बात ही नहीं है। पर हाँ मैं जब इसके साथ होता हूँ, इसको देखता हूँ, इसकी हरकतों को देखता हूँ, यू नो, तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस, हाँ वो थोड़ा सा फील हो जाता है। देखिए अभी फिलहाल शुरुआत है, अभी सीन्स की हमारी शुरुआत, इतने सीन्स हुए नहीं, बट इनिशियली मेरे लिए एक्टर अच्छे हों बुरे हों, बट एक इंसान अच्छे होने चाहिए, और वो बहुत अच्छी इंसान है, मतलब वाइब बहुत अच्छा है। और एक्टर एब्सोल्युटली आप सभी जानते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। फैंस एंड व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे सभी शोज को बहुत प्यार दिया है, इसको भी, इट्स अ न्यू बेबी, इसको भी आप प्यार दीजिए, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। ऐसा शो अभी टेलीविजन पे बिल्कुल नहीं आया, एंड बहुत मज़ा आएगा देखने। बच्चा मस्ती नहीं करेगा क्या करेगा? सो मतलब ठीक है, वो मज़ा आता है देखने में। मैंने जैसे बोला कि वो मस्ती करता है, हम लोग भी उसके साथ मस्ती करते हैं, और उसकी मस्ती क्यूट वे में होती है, मतलब ऐसा नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ किड, तो ऐसा कुछ परेशान वगैरह नहीं करता, कोई टैंट्रम से नहीं, कुछ भी नहीं है। सो या मस्ती है, चलो अभी देखते हैं कब तक पास कर देगा। पुशअप करवाता है, गाने गवाता है, इधर उधर कूदवाता है, सब करवाता है, तो करना पड़ेगा अभी तो। या थैंक यू मोस्ट वेलकम।